तो बहुत बढ़िया रहा भैया। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने मई में किया था, तब मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड हुआ था, उसके वजह से बार बार मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। पर डॉक्टर संजीव सर ने जैसे ही मेरा नाड़ी परीक्षण किया, उन्होंने फर्स्ट ही बार में बोल दिया, तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था इनको क्या समझता होगा, आंखें बंद करके क्या करेंगी ये। पर फिर भी जो हमारे यहाँ की आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है, उसके बोलने पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। बट भैया मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जैसे ही मेरा 15 दिन कंप्लीट हुआ, मतलब मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि अब मुझे एलोपैथी लेनी चाहिए। मतलब 2-4 दिन में ही वो पेन, वो इचिंग, वो सब कुछ अपने आप वो लेट गो हो गया था। और उसके बाद जो यूट्रस में मुझे हेवी पेन लग रहा था, लोअर एब्डोमेन में दुख रहा था, बार 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 ऐसा फील होता था कि जैसे मेरा पीरियड आ रहा है, पीरियड आ रहा है। बट अब मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ। और 2 दिन पहले मैंने फिर से किया दूध नाड़ी परीक्षण, मतलब मेरा भी सेकेंड टाइम हो गया है ये। तो इसीलिए कि अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो बेस्ट है, और जो डॉक्टर संजीव सर बता रहे हैं, मतलब उन्होंने इस बार तो मतलब ऐसा हुआ कि बस जस्ट दीदी आप आंखें बंद कीजिए, और जैसे मैं ही बोल रही हूँ वैसे वो चालू हो गए सब। अमेजिंग था, मतलब बच्चे मेरे साथ थे, वो सुन रहे थे, तो मम्मी मैंने तो मम्मी उनको इतना समझ रहा क्या, तो तुरंत मेरे बेटे ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया और उसने भी किया। करण करण का कैसा अनुभव? भी बहुत खुश है भैया, अभी तो वो मुंबई गया है कल, बट अच्छा, उसको जैसे पहले भूख नहीं लगती थी, चिड़चिड़, अभी वो बहुत बेटर फील कर रहा है। और आप लोगों मैं को क्या संदेश देना चाहोगे दीदी, जो लोग सोचते हैं कि कराए? मैंने मतलब मेरे फैमिली को भी यही बोला है कि मेरे बोलने पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेडिसिन लेना ये आपका कॉल है, बट रजिस्ट्रेशन करके डॉक्टर संजीव सर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपका वहां सेटिस्फेक्शन होता है तो ठीक, नहीं तो मेरे नाम से आपकी फीस गई यही समझिए, बस मुझ पे इतना विश्वास करके कीजिए, मैं खुश हूँ मैंने बोला। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फॉलोअर हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ उसके साथ। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि हाँ, हमें इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए और हमारी इंडियन मेडिसिन को प्रेफर करना चाहिए। अभी अभी आपने ये दूध नाड़ी का फीडबैक सुना। अगर आप भी दूध नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं, ये फीडबैक आपको अच्छा लगा, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूध नाड़ी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और उसका जो रिसिप्ट आता है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्टर आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछते हैं और आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो जाता है। मेक श्योर आप 2 घंटा खाली पेट रहें जिस वक्त आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो रहा हो, और इसके बाद जो वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं श्री श्री तत्वा के, वो भी ज़रूर लें। ये गुरुदेव का श्री श्री वेलबींग का इनिशिएटिव है, इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ये सेवा ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।